हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं थ्योरी ऑफ लव का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में थर्ड को कॉलेज के बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ खाए उसके पास बुरी हालत में पहुँचता है। थर्ड उसे उस हालत में देख कर बुरी तरह घबरा जाता है। खाए उसे बोलता है कि वो उसे पिक करने के लिए आया है, और वो उसे सॉरी बोलता है कि उसे उसका वेट करना पड़ा। थर्ड उसे रोते हुए पूछता है कि उसे क्या हुआ है। खाए उसे सॉरी बोलकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद थर्ड बहुत रोने लगता है और उसे आवाजें देता है। इसके बाद वहाँ पे उन आता है और वो दोनों मिलकर उसे कार में ले जाते हैं। रास्ते में खाए अपने मन में बोल रहा होता है कि वो हमेशा सोचता था कि उसका बुरा बिहेवियर उसे ब्लंड बना देगा। वो कभी भी प्यार के लिए नहीं रोया, और वो प्यार के लिए कभी भी सैड नहीं होता था, और वो लव के लिए ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालता था, बिकॉज वो खुद को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। उसकी फीलिंग्स इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री थी। पर आज वो थर्ड की बातों से बहुत हर्ट हुआ और उसे काफ़ी तकलीफ हुई। इसके बाद दिखाया जाता है कि खाए खुद को एक अंधेरी जगह में देखता है, और वो वहाँ थर्ड को देखता है, और वो थर्ड को देख कर उसका नाम पुकारने लगता है, पर थर्ड उसके पास ना आकर उनके पास चला जाता है। खाए उसे उनके पास ना जाने के लिए कहता है, और वो कहता है कि वो यहाँ खड़ा है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है, जहाँ वो हॉस्पिटल की बेड पे होता है, और उसके पास टू और बुन खड़े होते हैं। वो दोनों उसे बताते हैं कि वो पिछले एक दिन से यहाँ सो रहा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे टीज करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे थर्ड आ जाता है और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। खाई थर्ड को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वहाँ खाई के पेरेंट्स आते हैं, और वो दोनों मिलकर थर्ड को खाई का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और उन दोनों के जाने के बाद टू और बुन भी वहाँ से जाते हैं। उनके जाने के बाद थर्ड खाई को बोलता है कि डॉक्टर्स ने कहा कि शायद उसे कल डिस्चार्ज किया जाएगा। खाई अगेन उसे सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद थर्ड के पास उनका कॉल आता है, और वो बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देख कर खाई बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद टू और बुन खाई के पास वापस आते हैं, और वो दोनों मिलकर उससे सारी बातें पूछने लगते हैं कि उसके बाइक का एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ। इसके बाद खाई उन्हें बताता है कि वो थर्ड को उनके साथ देखकर बहुत जेलस फील करता था, तो उसने थर्ड को सोते हुए किस कर दिया। इसके बाद खाई बोलता है कि अच्छा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एटलीस्ट वो अब ड्रामे से दूर रहेगा, और वो थर्ड और उनको साथ नहीं देख पाएगा। इसके बाद टू उसे कहता है कि उसे इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुँचना चाहिए, बिकॉज वो शायद जैसा सोच रहा है वैसा ना हो। और वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि थर्ड सिर्फ वर्क रिलेटेड बातें ही उनसे करता है। इसके बाद जब थर्ड वापस आता है तो बुन उसे कहता है कि उसे उसका फ़ोन चाहिए गेम्स खेलने के लिए, बिकॉज उसका फ़ोन डेड हो चुका है। थर्ड उसे अपना फ़ोन देता है। इसके बाद बुन उसका फ़ोन चेक करता है, बट मैसेंजर पे पासवर्ड लगा होता है, तो खाई उसे थर्ड का बर्थडे बोलता है। इसके बाद बुन और टू मिलकर उसके लाइन के मैसेंजर को ओपन करते हैं, और वो उनके चैट्स को भी चेक करते हैं। आगे सीन चेंज होकर बुन को उसके रूम पे दिखाया जाता है, और वो वहाँ खाई को मैसेज करता है, और वो उसे कहता है कि थर्ड के फ़ोन में उसे कुछ भी नहीं मिला। वो कहता है कि उसने उसके फेसबुक, ट्विटर और उसके सारे चैट्स भी चेक किए, पर किसी में भी उसे कुछ नहीं मिला, और 90% चैट्स सिर्फ वर्क रिलेटेड ही थे। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ खाई बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि शायद थर्ड को सब कुछ पता चल चुका होगा। कि तभी वहाँ पे थर्ड आता है। खाई उसे सारी बातें बताने ही वाला होता है कि थर्ड कहता है कि बुन और टू ने उसे सारी बातें बताई है। खाई कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके लिए वरिड था। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उन उसे हर्ट करे, बिकॉज उन सब ने उनके साथ बुरा किया था। थर्ड उसे बोलता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद संभाल लेगा। इसके बाद थर्ड वहाँ से जाने लगता है, तो खाई उसे अगेन सॉरी बोलता है, और वो उसे कहता है कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगा, और वो उससे प्रॉमिस करता है। आगे सीन चेंज होकर टू को दिखाया जाता है, जहाँ वो उस लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद वो लड़की उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो उसे उसी जगह पे ले जाती है जहाँ उसे उन ले गया था, और वो वहाँ जाकर देखता है कि उन वहाँ पे किसी और के साथ पहले से ही बैठा होता है। इसके बाद टू उस लड़की को कहीं और चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ खाई को डिस्चार्ज किया जा रहा था, और तभी थर्ड उसे पिक करने के लिए आता है, और वो उसे उसके घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद खाई थर्ड को बोलता है कि वो जाकर अपने राइटिंग पे ध्यान दे। इसके बाद थर्ड वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर बुन की कॉफी शॉप का दिखाया जाता है, जहां टू और बुन बैठे होते हैं कि इसके बाद खाई भी वहां आता है।
और बुनखाई को बोलता है कि वो थर्ड को क्यों अवॉइड कर रहा है, और टू उसे बोलता है कि वो दोबारा उसे अपसेट नहीं देखना चाहता। खाई उन दोनों को बोलता है कि अभी जब थर्ड आएगा तो उसके सामने पहले की तरह फनी जोक्स क्रैक करेगा। इसके बाद थर्ड वहाँ आता है और उसे देखकर खाई अजीब सा सॉन्ग गाने लगता है। थर्ड उसे पूछता है कि ये कैसा सॉन्ग है, वो बोलता है कि वो अच्छे मूड में है। इसके बाद सभी साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, बट थर्ड बोलता है कि उसे क्लासेस से रिलेटेड थोड़े डाउट्स है, इसलिए उसने एक ट्यूटर ढूंढा है। कि तभी वहाँ पे उन आता है। थर्ड बोलता है कि उन ने लास्ट ईयर में टॉप किया था तो इसलिए उसने ट्यूटर के लिए उसे पूछा। उसे वहाँ देखकर खाई अपसेट हो जाता है। इसके बाद थर्ड और उन मिलकर अपने लिए खाने की चीजें लेने जाते हैं। उनके जाने के बाद टू खाई को बोलता है कि वो अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। उन बोलता है कि वो पागलों के जैसे गाना गा रहा था। आगे सीन चेंज होकर हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि खाई की टांगों की चोट की हालत खराब होती है और नर्स उसे कहती है कि ये ठीक नहीं हो रहा। वो बोलती है कि उसने जरूर इस पे पानी डाला होगा। खाई बोलता है कि उसने खुद से शावर लिया था तो इसलिए ऐसा हो गया। नर्स उसे बोलती है कि किसी को उसका ख्याल रखना होगा। वो कहती है अगर उसकी चोट ऐसी ही इन्फेक्टेड रही तो हालत और भी बुरी हो सकती है। ये सारी बातों को वहाँ खड़ा थर्ड सुन रहा होता है। आगे सीन चेंज होकर खाई के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ थर्ड और खाई दोनों साथ में बैठे होते हैं। इसके बाद खाई अपने लिए पानी लेने जाता है पर पानी पूरी तरह से फर्श पे गिर जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि वो सावर लेने जा रहा है, तो थर्ड बोलता है कि वो सावर लेने में उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद उन दोनों को वॉशरूम में दिखाया जाता है। थर्ड खाई को अपनी शर्ट टेक ऑफ करने के लिए बोलता है। खाई थोड़ा नर्वस हो जाता है तो थर्ड उसे बोलता है कि क्या वो एम्बेरस फील कर रहा है। थर्ड बोलता है पर जब वो यहाँ रहता था तो उसने उसे हमेशा शर्टलेस देखा है। खाई थोड़ा शाय होकर बोलता है कि वो अलग बात थी। इसके बाद खाई अपने मन में बोलता है कि यही सबसे बेस्ट चीज़ है जो वो कर सकता है, कि वो उसके सामने नॉर्मल एक्टिंग करे और थर्ड का एक अच्छा फ्रेंड बना रहे। इसके बाद सीन चेंज होकर टू के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ वो उस लड़की की वीडियो को एडिट कर रहा होता है। बट उसे उनकी बातें याद आने लगती है जो उसने रेस्टोरेंट में बोली थी, जब उसने पूछा था कि वो यहाँ अपने फ्रेंड्स को तो लाता होगा बट उसने कहा था कि वो पहला इंसान है जिसे वो यहाँ लाया है। फिर उसे याद आता है जब उसने उसे लास्ट टाइम किसी और के साथ वहाँ बैठे देखा था। ये सारी चीजें याद करके वो बहुत अपसेट हो जाता है कि तभी उसके पास उस लड़की का कॉल आता है और वो उसे एडिटिंग के बारे में पूछती है। इसके बाद बून को एडिटिंग पे काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो टीचर उस लड़के के साथ आती है और वो वहाँ बैठे अपने फ्रेंड को अपने वेडिंग पे इनवाइट करती है। ये सारी बातें वहाँ बैठा बून सुन रहा होता है और अपसेट होने लगता है। आगे सीन चेंज होकर सभी को पूल साइड पे दिखाया जाता है। वो सभी अपने एग्जाम्स के एंड होने के बाद वहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं। इसके बाद उन सबको साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और वो लोग नेवर हैव आई एवर गेम खेलते हैं। जिसने वो किया हो उसे ड्रिंक करना होगा। इसके बाद वहाँ खाई भी आता है और वो उन सबको ज्वाइन करता है। इसके बाद वहाँ बैठा एक लड़का बोलता है कि उसका कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड पे क्रश नहीं था। खाई और थर्ड उसकी बात को सुनकर शांत हो जाते हैं। कहता है कि उसे क्रश है, ये कहकर वो ड्रिंक पी लेता है। इसके बाद खाई भी ड्रिंक पीता है। इसके बाद वहाँ उन आता है, जिसे देखकर खाई और टू दोनों चुप हो जाते हैं। इसके बाद सभी को स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए दिखाया जाता है और ड्रामे का डायरेक्टर बोलता है कि कोई भी एक कीवर्ड बताएगा दूसरे किसी के बारे में, जिसे हम सबको गेस करना होगा कि ये बात किस इंसान के बारे में हो रहा है। इसके बाद वो खाई से स्टार्ट करता है। खाई बोलता है चीज पॉपकॉर्न, जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। इसके बाद वो कहता है कि वो थर्ड के बारे में बात कर रहा था और वो कहता है कि थर्ड को चीज पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। इसके बाद ड्रामे का डायरेक्टर बोलता है कि थर्ड किसे लाइक करता है और वहाँ सारे बैठे लोग उनका नाम लेने लगते हैं। वहाँ बैठे सारे लोग बोलने लगते हैं कि सब जानते हैं कि उन थर्ड को चेस कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर टू बहुत अपसेट हो जाता है बट उन कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद खाई कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टू कहता है कि वो और नहीं खेलेगा और इसके बाद वो स्विमिंग पूल में उतर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। और जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो पानी में गया था तो उन उसे बचाने के लिए वहाँ आया था और उसे उनकी सारी बातें याद आने लगती है और वो बहुत अपसेट हो जाता है और वो सारी पुरानी बातों को अभी हो रही बातों से मिलाने लगता है। जब अभी सबने कहा कि उन थर्ड को लाइक करता है और उनने कुछ भी नहीं कहा, वो ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ वो लड़की आती है
इसके बाद वो उस लड़की को बताता है कि वो उसे हाई स्कूल से लाइक करता है और वो उसे डेट करने के लिए पूछता है। इसके बाद थर्ड को दिखाया जाता है जहाँ वो उसी लड़की से मिलता है जिसे खाई ने अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसे मिलाया था और जिसका नाम लेकर उसे उसने किस भी किया था। इसके बाद थर्ड को ड्रामे के डायरेक्टर के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वो उसे पूछता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे बार बार झूठ बोलता है तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए। ड्रामे का डायरेक्टर बोलता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ खाई उनको मारने लगता है और सभी वहाँ चले जाते हैं। थर्ड खाई को पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। खाई उसे बोलता है कि क्या उसे पता भी है कि वो यहाँ क्या कर रहा था, और वो उसे बोलता है कि उन यहाँ पे किसी लड़की के साथ वॉशरूम में था। और खाई कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है जब वो थर्ड को लाइक करता है। थर्ड उसे कहता है कि वो स्ट्यूपिड है और वो कहता है कि उन उसे लाइक नहीं करता। इसके बाद थर्ड नाराज हो जाता है और वो खाई को बोलता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। खाई उसे बोलता है कि वो उसे डिफेंड करने के लिए सब कर रहा है और वो बोलता है बिकॉज वो जेलस फील कर रहा है। तो थर्ड उसे पूछता है पर वो जेलस क्यों है, तो खाई बोलता है बिकॉज वो उसे लव करता है। ये बात सुनकर थर्ड बहुत शॉक्ड हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी ऑफ लव के 9th एपिसोड की कहानी। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।